हेलो फ्रेंड्स, पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप कल से भी ज्यादा बेहतर हो, और मैं इस बात की उम्मीद जरूर करता हूं कि कल की जो क्लास है मैंने आपको बताया था वो आपने रिवाइज जरूर किया होगा। बाई चांस अगर नहीं भी किया होता है, हम चीजों को लापरवाही से देते हैं, नहीं कोई बात नहीं, आज फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा, जहां से कि हमने कल एंड किया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि चार्जिंग के टाइप्स क्या थे। मैं एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा, आपको रिवाइज कराना चाहूंगा उन चीजों को, क्योंकि वहीं से आगे बढ़ेंगे आज। टाइप्स ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट की चार्जिंग किस किस तरीके से हो सकती है। द फर्स्ट थिंग वॉज by conduction, second by friction, third by induction, by conduction, by friction, by induction। कल मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था, मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों ने उसको देखा होगा, और बाई चांस अगर आपने नहीं भी देखा तो उसको आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं कुछ दूसरा बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि इंडक्शन के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इस टाइम अगर मैं बात करूं कि आम पब्लिक क्या बात कर रही है, आप घर पे बैठे सबसे ज्यादा आप क्या सोच रहे होंगे, आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, आस पास के लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद सबसे पहला जो वर्ड निकलेगा वो निकलेगा कोरोना। अब हमें यह देखना है क्या हम कोरोना को हमारे इस फिजिक्स के अंदर रिलेट कर सकते हैं, क्या इससे रिलेट कर सकते हैं, ये देखना हमको। तो चलिए देखते हैं। हम न्यूज में ये देख रहे हैं कि कोरोना किस किस तरीके से फैल रहा है, तो हमें ये देखना है कि वो जो फैलने वाले तरीके हैं जिससे वो स्प्रेड हो रहा है, वो स्प्रेड करने वाले तरीके क्या इनमें से कोई तरीके हैं, देखते हैं। सबसे पहली चीज बाय कनेक्शन। आपने सुना होगा कि कोरोना, अगर किसी को कोरोना हो रखा है तो वो अगर किसी को टच करता है, मान लीजिए कि वो अपने स्नीज करता है हाथों में और उसके बाद वो टच करता है, तो वो कोरोना के वायरस जो है वो इधर से उधर तक ट्रांसमिट हो सकते हैं। एग्री करते हैं सब लोग? अब ये है क्या कंडक्शन, मैंने आपको बताया था ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अब मुझे आप बताइए कि क्या कंडक्शन है। बिल्कुल, ये कंडक्शन है, क्योंकि आप एक पर्सन जिसके हाथ में वायरस है कोरोना का, अगर वो किसी दूसरे को टच करता है तो वो वायरस ट्रांसफर हो जाता है बाय टचिंग, by direct contact, it is called conduction। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि friction की वजह से कोरोना हो सकता है। friction तो आपको पता है friction किस तरीके से होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने कोई एक person ऐसा लिया जिसको कोरोना हो रखा था, ठीक, safety measure के साथ obviously, अगर हम ये experiment, हालांकि मैं कहूंगा नहीं कि experiment करना चाहिए, लेकिन just imagine, हम imagine कर सकते हैं इसको। एक बंदा ऐसा था जिसको कोरोना हो रखा है, और अगर वो आपके हाथों को ऐसे पकड़ के ऐसे ले आता है और फिर चला जाता है, तो क्या आपको कोरोना हो सकता है? तो आपका आंसर होगा यस। अगेन देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, लेकिन कॉन्टेक्ट में क्या हुआ, इस तरीके से रबिंग, तो कॉन्टेक्ट का तरीका थोड़ा बदल गया, रबिंग हुई। अभी जो रबिंग हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। दैट मींस दिस इज कोरोना ट्रांसफर बाय फ्रिक्शन। और भी तरीके हो सकते, ठीक है, वो आपको पता होंगे, या सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब बात करते हैं इसके बाद कि क्या इंडक्शन की वजह से कोरोना हो सकता है। इंडक्शन का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं किसी को टच भी ना करूं और मेरे पास से दूसरे के अंदर चार्ज क्रिएट हो जाए बिना टच किए, क्या ये पॉसिबल है कि कोरोना इस तरीके से इंड्यूस। आपने जितने भी अब तक केसेस सुने हैं, जितने भी आप टीवी में देख रहे हैं, न्यूज चैनल में देख रहे हैं कोरोना के केसेस, उसमें आपने ये नहीं सुना होगा कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और बाय चांस भगवान लग रहा है ऐसा हो, बाय चांस अगर मुझे कोरोना हो रखा है और सामने वाला बंदा 2 फीट की दूरी पे मुझसे है या 2 मीटर की दूरी पे, तो मेरे अंदर कोरोना रखा है तो उसके अंदर कोरोना का वायरस अपने आप क्रिएट हो जाए, ऐसा हमने कभी नहीं सुना होगा। इसका मतलब इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। तो कोरोना इंडक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, वो या तो फ्रिक्शन की वजह से होगा या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से होगा। अब एक बात करते हैं कि इसी जो हमारे पास ये जो कोरोना की बात चल रही है, इस कोरोना में
इंडक्शन को क्या हम कहीं जोड़ सकते हैं? क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे इंड्यूस कर दें कोई चीज, क्या कोरोना की वजह से कुछ होता हो, कुछ बॉडी के अंदर कुछ ऐसा होता हो जहाँ कोई चीज क्रिएट हो जाती हो? तो मेरे ख्याल से जितने बायो वाले स्टूडेंट होंगे हमारे, उनके दिमाग में एक बात हो रही होगी कि कोरोना से सबसे ज्यादा फाइट कौन कर सकता है। कोई ऐसा पेशेंट जिसके अंदर कोरोना, जिसके जो कोरोना से ऑब्वियसली कोरोना उसके अंदर है, मतलब कोरोना वायरस उसके अंदर आ चुका है, लेकिन उसके बाद वो कैसे अपने आप को रिकवर कर सकता है? तो शायद आपके दिमाग में पहली बात होगी उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और होता क्या है, कोरोना का वायरस आपके अंदर एंटर किया, और एंटर करने के बाद क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उससे फाइट करता है। अब आप सोच के देखिए, क्या इसको हम इंडक्शन बोलेंगे? सोचिए, वायरस ने बॉडी के अंदर एंटर किया, और जैसे ही वायरस ने बॉडी के अंदर एंटर किया, उससे लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, यानी कि एक चीज को कम करने के लिए कोई दूसरी चीज क्रिएट हो गई। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, इंड्यूस्ड कर देना, क्रिएट करना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद अब आप कोरोना के थ्रू भी समझ चुके होंगे कि कंडक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में क्या होता है, और इंडक्शन किस तरीके से हो पा रहा है कोरोना। राइट, तो दिस इज अबाउट द लास्ट टॉपिक। हमने लास्ट में इसी बात की बात करी थी कि टाइप्स ऑफ चार्जिंग में बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन ना हमारे पास। अब बात करते हैं कि हम अब दोबारा से अपने एनसीईआरटी में लौट के आते हैं, अपने सिलेबस में लौट के आते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास इंडक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है, ये इंडक्शन का प्रोसेस किस किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं किसी मेटल की बॉडी को लेता हूँ, एक चार्ज बॉडी को लेता हूँ, तो इंडक्शन का प्रोसेस होता किस तरीके से, चलिए देखते हैं। और मीनवाइल मैं ये कहना चाहूंगा, दो तरीके के बच्चे इस टाइम होंगे। एक वो बच्चे होंगे जो सिर्फ बैठ के वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, एक वो बच्चे होंगे जो कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, वो अगर आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो मैं बिल्कुल एंश्योर करता हूं कि आप चीजें बहुत अच्छी तरीके से करेंगे आज। ठीक है, दैट आई एम श्योर यू कि आज की क्लास के बाद आपको सारी चीजें थॉर होंगी, क्योंकि मैंने जैसा लास्ट क्लास में कहा था वही कहूंगा कि मैं 99% बिलीव नहीं कर रहा हूं, आई बिलीव इन 100%। जो पढ़ाऊंगा वो पूरा आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होता है, मैं आज अपना नंबर ही दूंगा यहाँ पे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे अगर आपको आता है, किसी बुक से, आपकी एनसीईआरटी है या किसी बुक से, अगर आप मुझसे पूछना चाहें यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन आपके पास रेडी होना चाहिए। लेट्स सी, एक ग्लास रॉड को मैं ले जा रहा हूं जो इनिशियली पॉजिटिव चार्ज थी। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा एक ग्लास रॉड ही हो, ये कोई भी ऐसी बॉडी हो सकती है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज पहले से कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, एक मेटल बॉल को मैं इसके साथ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेटलिक बॉल है, मेटल कोई सा मेटल हो सकता है, इस मेटलिक बॉल को मैं चाहता हूं कि इस मेटल बॉल को चार्ज कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ दिस। लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इसको इससे टच नहीं कराना। अगर टच करा दिया तो क्या होगा, अगर मैंने इसको इससे टच करा दिया तो कॉन्टेक्ट मारने की वजह से चार्ज होते जाएगी, लेकिन मेथड बदल जाएगा, चार्जिंग का प्रोसेस बदल जाएगा, तब वो चार्जिंग बाय कंडक्शन कराएगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन की। बता दूं कि हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इट्स कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब जरा टारगेट देखते हैं। तो टारगेट ये था कि हमारे पास एक चार्ज रॉड है और साथ में हमारे पास एक मेटलिक बॉल है, और हम चाहते हैं कि इस मेटलिक बॉल को चार्ज कर दिया जाए बिना इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में नहीं लाना, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, लेट्स सेकंड की ऐसा कैसे हो सकता है। आपको पता है कि हमने सुन रखा है कि जितनी भी चीजें होती हैं यूनिवर्स के अंदर वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि अगर न्यूट्रल नहीं होगी तो स्टेबल नहीं होगी। जो चीज न्यूट्रल नहीं है वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेंगी किसी ना किसी प्रोसेस से, या करना चाहेंगी, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होगा वो क्या होगा, वो रीजन ये होगा कि उस पर इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो अगर इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होते हैं
तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है तो इस पे इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। पॉजिटिव चार्ज रॉड को जब मैं इसकी विसिनिटी में बहुत क्लोज लेके आता हूं, ध्यान रखना है क्लोज लेके आना है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर तभी होगा जब इसके क्लोज होगा, टच नहीं कराना लेकिन क्लोज होना चाहिए। अब जब मैं इसको इसके पास लेके आता हूं तो क्या होता है, इसके क्लोज जो सरफेस होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉडी के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है इक्वल नंबर में, तो वो जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके अंदर का वो इस तरफ को अट्रैक्ट होके आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस तरफ चला जाएगा। क्यों है सब लोग, जितना नेगेटिव इधर आएगा उतना पॉजिटिव इधर चला जाएगा। अगर मैं इस ग्लास रॉड को, मैं आपसे पूछूं कि अगर इस ग्लास रॉड को मैं यहां से हटा देता हूं तो अब क्या होगा, तो आपके दिमाग में शायद ख्याल आना चाहिए कि अगर मैं इसको इससे हटा लेता हूं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों अगेन मिलके आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे क्योंकि बीच में अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि ये न्यूट्रल ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू चार्ज दिस बॉडी, ठीक है, दैट इज द टास्क। चलो देखते हैं आप कैसे करेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को मैं एक मेटेलिक बॉल के पास लेके आता हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड से इंड्यूस होके क्रिएट होके, क्योंकि आपने इसको कॉन्टेक्ट नहीं कराया, टच नहीं कराया, इंड्यूस होकर नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टास्क हमारा है, हमारे हमें पता होना चाहिए हम करना क्या चाह रहे हैं। हमारा टास्क ये है कि ये बॉडी कोई एक चार्ज एक्वायर कर ले, प्योर नेगेटिव हो जाए प्योर पॉजिटिव हो जाए। तो चलिए मान लेते हैं कि हमें इसे प्योर नेगेटिव बनाना है। अगर प्योर नेगेटिव इसको बनाना है तो अब क्या किया जाए, देखते हैं। ये बात हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर मुझे इसको प्योर नेगेटिव बनाना है तो मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव अगर नहीं चाहिए तो पॉजिटिव को कहीं दूर होना पड़ेगा, पॉजिटिव को वहां से हटा देना पड़ेगा। अब पॉजिटिव को कैसे हटा सकते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग के बारे में सुना, अर्थिंग बोलते हैं या बोलते हैं ग्राउंड कर देना। अर्थिंग में क्या होता है, हमने सुना है कि अर्थिंग में जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो चला जाता है। अब एक्स्ट्रा चार्ज है कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्स्ट्रा दोनों ही है। पहले ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था लेकिन अब उसकी न्यूट्रलिटी जो थी वो टूट गई, ब्रेक हो गई। अब टारगेट मेरा ये है कि मैं इसको नेगेटिव चार्ज बनाना चाहता हूं, तो इसका मतलब मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मुझे यहां से हटाना है तो उसके लिए मैंने यहां पर अर्थिंग कर दी। अब अर्थिंग से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है हमारे पास जिस पार्ट की आपने अर्थिंग करी है वो चार्ज जो होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। अब मेन बात है कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में जाएगा या अर्थ से कुछ आएगा ऊपर की वजह से पॉजिटिव बना लेगा। तो एक्चुअली है क्या जो मैंने दूसरी बात कही उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने ये बोला कि क्या अर्थ से कुछ आएगा जो इसको न्यूट्रल कर लेगा, तो दिस इज करेक्ट, अर्थ से ही कुछ ऐसा आएगा जो न्यूट्रल कर देगा। और वो क्या है, क्योंकि एक्चुअली जो चलने वाला चार्ज है, जो मूव करने वाला चार्ज है, वो बेसिकली कौन होते हैं, बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल बनाना है तो अर्थ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की ओर आएंगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या होगा। एंड द थर्ड स्टेप, हमारे पास ये बचा, फर्स्ट स्टेप में इंडक्शन के थ्रू क्या हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, नेगेटिव अट्रैक्ट होकर इस साइड पर पहुंच गया और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पर। फिर क्या हुआ, फिर हम चाहते थे कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज बॉडी ये बने तो पॉजिटिव चार्ज को वहां से हटाना है, और पॉजिटिव चार्ज वहां से हटाने के लिए हमने क्या किया, उसकी अर्थिंग कर दी। अब ये जो इसकी हमने अर्थिंग करी, नेगेटिव चार्ज आया यहां से और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, ये हुआ। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ऐसा होता कि मैं अर्थिंग कर दूं यहां पर लेकिन उसके बाद इस ग्लास रॉड को हटा दूं, अर्थिंग कर दी और ग्लास रॉड को हटा दी, तो क्या होगा, अगर अर्थिंग करके ग्लास रॉड को मैंने हटा दिया तो इसका मतलब यह है कि ये भी एक्स्ट्रा है और ये भी एक्स्ट्रा है, या तो ये दोनों एक दूसरे को पहले ही न्यूट्रल कर लेंगे या फिर अर्थिंग जो है वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। और ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आ रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएंगे, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन ही करेगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अब ये है कि हम यहां से पहुंच गए यहां तक,
अल्टीमेटली अर्थिंग हो गई और पॉसिटिव चल गया। अब अगर मैं इस ग्लास रॉड को हटा देता हूं यहां से तो क्या बनेगा? इस ग्लास रॉड को हटाने के बाद मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर बना दूं, इफ इट इज नॉट विजिबल, अल्टीमेटली इन द फोर्थ स्टेप वी विल गेट दिस नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो आप सोचिए, आपने इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी से एक न्यूट्रल बॉडी जो इनिशियली न्यूट्रल थी उसको अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज बना दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखा कि आपको इसे इसे टच नहीं कराना है, कंडक्शन नहीं करना। क्लियर? सो दिस प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर? मैं चाहूंगा कि आप इन चार स्टेप्स को नोट करें। दिस इज स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री एंड देन वी हैव स्टेप नंबर फोर। ये चार स्टेप आप सीक्वेंस में नोट करें। उसके बाद मैं आपको एक टास्क देता हूं कि हमें इंडक्शन करके कुछ और करना है। ठीक है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं उसके आंसर बताऊंगा एंड विल क्रॉस चेक कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। राइट? ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू अराउंड 30 सेकंड्स टू नोट इट डाउन। ओवर? ओके, अब बात करते हैं कि अब टास्क हमारा क्या है। दस सेकंड, अब हमारा टास्क ये है कि पॉजिटिवली चार्ज के पास ग्लास रॉड है और दो मेटालिक बॉल्स हैं। मैं चाहता हूं कि इंडक्शन के थ्रू एक बॉल पॉजिटिव हो जाए और एक बॉल नेगेटिव, तो ये कैसे हो सकता? अब कुछ लोगों के दिमाग में बात हो सकती है कि सर ये तो बहुत ही आसान, हम तो विचार कर देंगे। लेकिन अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं, क्या ये पॉसिबल है कि बिना अर्थिंग के हम इसे कर सकें? अर्थिंग के थ्रू आप कर ही देंगे। और एक कंडीशन और बताता हूं, पहली कंडीशन मैंने दी क्या ये पॉसिबल है कि हम बिना अर्थिंग के इसे कर सकें, और दूसरी बात ये अगर बाई चांस आप अर्थिंग करना भी चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो अर्थिंग करूंगा, कोई बात नहीं, अर्थिंग करनी कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशन बता देता हूं, मैक्सिमम किसी एक बॉल की अर्थिंग करनी है, दोनों की नहीं करनी है अगर आप करना चाहते हैं तो। हालांकि मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना अर्थिंग के भी इसको कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम हमेशा अर्थिंग करें, दो बॉल है तो कुछ एडवांटेज मिल सकती है हमको यहां। ठीक है, लेट्स सेट इट। ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारे पास हो गया, तो आप मेरे साथ साथ देखें, और मुझे लगता है कि आप मेरे साथ साथ बता भी रहे होंगे इसको कि इसके बाद ये हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज जो ग्लास रॉड है इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो नियर बॉल है यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऑटोमेटिकली यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब इस पॉजिटिव चार्ज से इसके नियर बाय जो बॉल है अगर इसके बहुत क्लोज रखिए, ठीक है, तो इसमें भी इंडक्शन होगा, और इसमें इंडक्शन होने के बाद ये नेगेटिव चार्ज जाएगा इधर की ओर और इधर की ओर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये अब ये देखें आप, अब मैं क्या करना है, मैंने कहा एक बॉल को नेगेटिव बनाना है, एक बॉल को पॉजिटिव बनाना है, और आपके साथ कंडीशन ये है कि आप इस ग्लास रॉड से इन दोनों को टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास रॉड से अगर टच कर दिया तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, कंडक्शन, वो नहीं करना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, इन दोनों बॉल्स को अगर मैं कांटेक्ट में ले आता हूं तब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज था और ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों को अगर मैं कांटेक्ट में ले आ चुका हूं तो आपके दिमाग में पहली बात होनी चाहिए कि इन दोनों को अगर हम कॉन्टेक्ट में ले आए तो अभी कौन सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा कंडक्शन। और ध्यान रखिए, मैंने कहा था कि कंडक्शन मुझे इसके साथ नहीं करना, मुझे किस रॉड को वहां टच नहीं कराना, लेकिन बॉल को हम टच करा रहे हैं, हमें बस टारगेट यह है कि मैं इस बॉल को, इस रॉड को इन दोनों से टच ना कराऊं और ये दोनों बॉल चार्ज हो जाए, ये हम चाहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, अगर इन दोनों में कॉन्टेक्ट में लेके आता हूं
तो मेरे पास के बाद रिजल्ट बनेगा ये। इन दोनों के बीच में हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, ये रहा नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव, ये दोनों बचे हैं। अब क्या करना है मुझे नेक्स्ट स्टेप, नेगेटिव। अगर मैं इस लास्ट रॉड को यहां पे हटा दूं इस केस में, क्योंकि अब हम सेफ हैं, यहां से जाना करना कि मैं इस स्टेप के बाद इनको अलग कर दे रहा हूं, और अगर मैं इनको जब अलग कर रहा हूं तो उस टाइम पर लास्ट रॉड यहां लगी रहे तो ठीक है स्टार्टिंग, तो आपको क्या मिलेगा, कैसे इसको अलग करेंगे, ये हुआ। और उसके बाद अगर मैं लास्ट रॉड रहता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा आपस में एक दूसरे को अटैक करके, अगर इनके बीच में गैप बहुत बड़ा नहीं है तो। ठीक है, ओके। तो ये दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 5 एंड दिस इज स्टेप नंबर 6, दिस इज स्टेप नंबर 5 एंड देन वी हैव स्टेप नंबर 6 कि अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग-अलग रख दूं इंडिपेंडेंटली, आपस में कोई कांटेक्ट ना हो तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि अब इनके पास कोई वजह नहीं है कि वो एक जगह एक्युमुलेट रहे। यहां पर क्या था, दोनों एक दूसरे के इंट्रैक्शन में थे, थोड़े से पास थे, इसलिए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ था। लेकिन जब मैं इन दोनों को थोड़ा गैप कर देता हूं तो नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और इसके ऊपर भी उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं, तो अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमने अर्थिंग भी नहीं करी, ग्लास रॉड को टच भी नहीं कराया, और एक बॉडी यूनिफॉर्मली चार्ज हो गई नेगेटिव और एक दूसरी हो गई आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव, राइट। तो दिस इज हाउ इंडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये दोनों मैंने जो आपको एग्जांपल बताया दोनों एनसीईआरटी में, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा मेरी क्लास के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि होता क्या है कि एनसीईआरटी में कुछ बातें इस तरीके से लिखी होती हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, और मैं चाहूंगा कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी आपको मिलती है उसके बाद आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ऐसी बात जो क्लियर नहीं हुई बाई चांस रह गई तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलना चाहेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं कहूंगा कि वो इस चैप्टर की जान है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी काफी बनते हैं, और वो ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेट होकर कुछ और टॉपिक भी बनेंगे हमारे पास, वो हमको देखना है। ठीक है, लेट्स डू इट। The topic is Coulomb's law, Coulomb's law of electrostatics, Coulomb's law of electrostatics। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने नाम तक सुन लिया होगा, और इस बीच जब आपको इतना टाइम मिला तो शायद आपने कोशिश भी करी होगी एक बार बुक पढ़ के देख लेते हैं क्या समझ में आ पा रहा है, तो नाम जरूर सुन लिया होगा, और हो सकता है बहुत सारे बच्चे अपने आप समझ चुके चीजों को, लेकिन हम देखेंगे कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या वो बातें हमने सारी की सारी सीख ली हैं जो कि सीखनी चाहिए थी हमको, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने शायद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना होगा, एग्री करते हैं मेरी बात से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9th में पढ़ा, क्लास 11th में भी बुक में था। अब क्लास 11th में बुक में था, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि बुक में तो था लेकिन हम स्किप कर गए, हम ऊपर से ही पढ़ के चले गए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बुक में तो था, बहुत अच्छी बात है अगर आपने इसको पढ़ा भी है, नहीं तो क्लास 9th में जरूर देखा। अब बात करते हैं क्लास 9th में और या क्लास 11th में आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था, पहले वहां से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि इनके बीच में क्या आपस में कोई लिंक है, क्या ऐसा होता है कि एक को समझने से दूसरा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने ये पढ़ा था कि एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी इसको अपनी तरफ खींचता है और ये भी इसको अपनी तरफ खींचता है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, और इफ द मास ऑफ द फर्स्ट वन इज m1 एंड द मास ऑफ सेकंड वन इज m2 then the force of attraction between them is directly proportional to the product of their masses
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इनके बीच के डिस्टेंस को मैं आर मान लू, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अगर मैं इसको आर मान लू तो मेरे पास एफ प्रोपोर्शनल टू वन आर स्क्वायर आएगा। एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो न्यूटन्स रोटेशन क्या बोल रहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी को समझ करते हैं दोनों रिजल्ट को, तो हमें फाइनली मिलता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करके हमारे पास ये आता है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट आपके पास आता है। आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट को जो सबसे पहले कैलकुलेट किया था वो किया था कैवेंडिश ने, क्लास 9 की एनसीईआरटी में लिखिएगा, ठीक है। तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ये निकल गया। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशन के लिए हम दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, हमारे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में रिलेशन क्या है, या ये बोले कि इसको समझना आसान कैसे होगा। कूलम्स लॉ ये बोलता है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हों, मान लीजिए कि यहां मेरे पास क्यू1 चार्ज है और ये मेरे पास क्यू2 चार्ज है, तो ये क्यू1 और क्यू2 एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। अब तक इस कंडीशन में और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में एक डिफरेंस आ चुका है, गेस करिए क्या। मैं रिपीट करता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको बता चुका हूं, मैं कूलम्स लॉ की बात करता हूं कि कूलम्स लॉ में दिस चार्ज एंड दिस चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। डिफरेंस पता लगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन होता है क्योंकि मासेस सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल नहीं कर रहे, लेकिन कूलम्स लॉ कहता है कि चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकते हैं। क्यों, ये आप जानते हैं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है रिपेल कर जाएंगे, एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव है तो भी रिपेल कर जाएंगे, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है अनलाइक चार्जेस हैं देन दे अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही पॉसिबल है। अब ये दोनों चीजें जब पॉसिबल है तो इसका मतलब हो गया एक डिफरेंस आपको पता लग गया, वहां सिर्फ अट्रैक्शन था और यहां अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकते हैं, ठीक। तो अब ये न्यूटन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two charges at rest, charge rest पर होने चाहिए, the force of attraction or repulsion between any two charges at rest is directly proportional to the magnitude of the charges, charges की value क्या है उसके directly proportional है। अब इसको हम साथ साथ देखते हैं और फिर देखते हैं आगे। इस चीज को समझने के लिए मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास एक चार्ज था Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, यस, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज R। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपल्शन मिलेगा और उस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपल्शन मिलेगा। अभी हम बात करेंगे कि इस फोर्स को हम डिनोट कैसे करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इन स्पेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मैग्नीट्यूड ध्यान रखें कि मैं यहां पर मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहा हूं और ऐसे ही कहा जाता है क्योंकि हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसको बेटर डेफिनेशन देंगे, ठीक है, जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसको हम वेक्टर डेनोशन देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा उसका, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब ये देख के लग रहा होगा कि भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। डिफरेंस अभी तक क्या हो गया, वहां मासेस की बात करते थे और यहां पे चार्जेस की, क्या तो और भी डिफरेंस हुआ अभी तक। एक तो मैंने बताया था कि वहां से अट्रैक्शन होता है और यहां अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है, लेकिन क्या कोई और डिफरेंस हुआ? यस, डिफरेंस है। मैंने ये बोला द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो वर्ड आया ना, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में नहीं आ रहा, वहां सिर्फ आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस।
अभी मैग्नीट्यूड वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि अगर हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं सिर्फ वैल्यू, तो हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं यहां पर सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कि चार्जेस नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्योंकि मास तो सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, मास नेगेटिव होता है, लेकिन चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो जब चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है तो ऑब्वियसली मुझे उसके मैग्नीट्यूड की बात करनी पड़ेगी कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। मास के साथ ये दिक्कत नहीं है क्योंकि मास के पास साइन नहीं है, वो सिर्फ पॉजिटिव ही, ठीक है, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव मास का हमने कुछ सुना ही नहीं, ठीक है, राइट, ओके। तो इस चीज को अगर हम मान गए, अभी मैं कहूंगा कि आपको स्टेटमेंट लिखना नहीं है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, अभी पहले चीजों को समझ लेते हैं उसके बाद उसको लिखते हैं। तो f प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ q1 एंड मॉड ऑफ q2 एंड f प्रोपोर्शनल टू 1/r2, दोनों को अगर कंबाइन करें तो आपको मिलता है f प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ q1 इनटू मॉड ऑफ q2 अपॉन r2, क्लियर, f प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2 अपॉन r2। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहां पर तो एक कांस्टेंट आएगा, लेट दैट कांस्टेंट इज स्मॉल k, स्मॉल k ये कांस्टेंट है, q1 q2 अपॉन r2, ये हमारे पास का मैथमेटिकल सॉल्यूशन आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में था, वहां पे था f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r2, वहां g को हम यहां k से रिप्लेस कर दोनों का मीनिंग हालांकि बिल्कुल ही अलग है लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दोनों केस में, ठीक है। अब ये k है क्या, दिस स्मॉल k इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये इसका मतलब है। बात करेंगे थोड़ी देर बाद की वैल्यू क्या है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप स्टेटमेंट लिख लें, ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप लिख लें और जिन लोगों ने इसको लिख रखा है वो एक बार रिवाइज कर लें इसको, ठीक है। तो आपको हेडिंग डाल दी थी कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, उसके अंदर आप पहले स्टेटमेंट लिख लें फिर डायग्राम के साथ आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन कॉमा बिटवीन एनी टू चार्जेस इन स्पेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, क्लियर, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इन स्पेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, या डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आपने स्टेटमेंट लिख दिया है उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, लेकिन मैं इसमें कुछ चीजें ऐड कर दूंगा। q1 और q2 हमारे पास दो चार्जेस थे, q2 वाला q1 वाले के ऊपर फोर्स लगाता है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो q2 वाला q1 वाले को इधर पुश कर देगा, रिपल्शन होगा इधर जाएगा। अब इस फोर्स का नाम जो इस पे लग रहा है दैट इज F12 वेक्टर, दैट मींस फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर सेकंड ने फोर्स किधर लगाया, तो फर्स्ट वाले चार्ज पे सेकंड ने फोर्स उधर लगाया है, उधर पुश कर दिया उसको। इसी तरीके से यहां पर q2 वाले को q1 वाला उधर पुश कर रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1, यानी कि
द फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, टू वाले के ऊपर फोर्स लगा है। तो लिखने का तरीका सीख लेते हैं किसको लर्न कैसे करना है। ध्यान रखें कि इसमें जो फर्स्ट वाला आपके पास लेटर लिखा हुआ है F12 में पहले लिखा है 1, तो फोर्स 1 पे लगा है, और जो बाद में लिखा है पीछे वो फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, जो पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है और जो बाद में लिखा है फोर्स लगा रहा है। इसी चीज ये चीज हमारे आगे भी काम आने वाली है, इसलिए इस बात को बहुत ढंग से सुनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां की बात करता हूं तो यहां पर लिखा है आपके पास F21, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 वाले के ऊपर 1 वाला फोर्स लगा रहा है, ठीक है बेटा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ऑब्वियसली लाइव सेशन के अंदर हम ये नहीं कर सकते कि आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो फिलहाल, लेकिन फिर मैं आपको कहता हूं कि आप बिल्कुल फ्री हैं, हमारा ये सेशन जब कंप्लीट होता है उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये बात आपने बताई थी, इसमें थोड़ा सा और कुछ हमें सीखना है, ठीक है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब जो आपने स्टेटमेंट लिख दिया था ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ये तो हो गया फोर्स। अब एक चीज और है जिसके अंदर ऐड करनी है, उसे हम बोलते हैं पोजिशन वेक्टर। पता है पोजिशन वेक्टर और सिंपल डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होगा? जो डिस्टेंस होता है वो तो मैग्नीट्यूड होता है, वो आपको ये बताएगा कि इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी, यानी कि इन दोनों चार्ज के बीच में अगर 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो हमारे पास हो गया डिस्टेंस इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेकिन अगर पोजिशन वेक्टर की बात करता हूं तो वहां ये बताना जरूरी है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है और कौन सा चार्ज किसके रेस्पेक्ट में किधर रखा है। माइंड करिए मैं क्या लिख रहा हूं, क्या बताऊं आपको, आपको यह भी बताना होता है पोजिशन वेक्टर में कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है और वो पहले चार्ज के रेस्पेक्ट में किधर रखा है, डायरेक्शन इंडिकेट करनी है। तो पोजिशन वेक्टर इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर इन दोनों के बीच का ये है, तो पोजिशन वेक्टर ये बताता है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है और फर्स्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में सेकंड वाला किधर रखा है, सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट वाला किधर रखा है, क्योंकि ये दोनों बातें सेम नहीं है। हो सकता है दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 है, तो इधर से इधर वाला भी 30 पे रखा हुआ है और इधर से इधर वाला भी 30 पे रखा है, लेकिन एक बार डिफरेंस है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जहां बैठे हैं उसके हिसाब से आप डायरेक्शन कंसीडर कर लें, और इस डायरेक्शन को मैं इधर वेस्ट लिखता हूं और इस डायरेक्शन को अगर मैं यहां पे ईस्ट लिखता हूं, तो देखो फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में सेकंड वाला वेस्ट में रखा है, जबकि सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में फर्स्ट वाला ईस्ट में रखा है। डिफरेंस पता लग गया? तो इसका मतलब है पोजिशन वेक्टर में डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। एक एरो यहां बना रहा हूं और एक एरो यहां। अब मुझे इन दोनों को का नाम रखना है, नामकरण करना है इसका। बहुत मुश्किल मौके होते हैं कि आप इस चीज का नामकरण करें, ठीक है राइट, लेकिन इस बार मौके आपको कैसे मिल रहे हैं देखते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं R21 वेक्टर और यहां पर लिखता हूं R12 वेक्टर। अब आपको खुद से एनालाइज करना है कि मैंने इन दोनों चीजों को सही लिखा है नहीं। ध्यान रखें कि यहां पे लिखा है मैंने R21 वेक्टर, R21 वेक्टर, और यहां पे लिखा है मैंने R12 वेक्टर। आपको देखना है कि मैंने सही लिखा है। इसका मतलब है कि पोजिशन वेक्टर 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, 2 वाला 1 के रेस्पेक्ट में किधर है, सोचिए 2 वाला 1 के रेस्पेक्ट में किधर है। तो मैं कहूंगा इधर है, 2 वाला 1 के रेस्पेक्ट में इधर रखा है। पोजिशन वेक्टर 2 का पूछ रहे हैं 1 के रेस्पेक्ट में। अब बात करते हैं यहां क्या हो रहा है, पोजिशन वेक्टर 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, 1 वाला 2 के रेस्पेक्ट में कहां रखा है, 1 वाला 2 के रेस्पेक्ट में इधर रखा है, तो एरो ये हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये कहां रखा हुआ है, 2 वाला इधर रखा है, ठीक है, और ये कहां रखा है 1 वाला, वो उधर रखा हुआ है, ठीक है। इन बातों को हमको सीखना है राइट। चलो तो दिस इज अबाउट द डायग्राम, ओके। ये पूरा डायग्राम आपका हो गया, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। मैं चाहूंगा कि यहां से लेकर आप यहां तक नोट कर लें और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। टेक 1 मिनट टू नोट इट डाउन फास्ट।
देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, वो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया था। ठीक बच्चे, डन, ओके आगे बढ़ते हैं। इसका मैंने एंड किया यहां पर जहां पे लिखा था के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इस के अंदर छुपा क्या है देखते हैं। स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़े। और डेफिनेशन मैंने एक चीज यूज करी थी कि चार्ज रेस्ट पर होने चाहिए, ये लिमिटेशन भी है कूलम्स लॉ की, चार्ज रेस्ट पर है। अब चार्ज अगर रेस्ट पर नहीं रहेगा तो क्या होगा जी, आप सोचें, याद आपका क्वेश्चन है कि चार्ज रेस्ट पर होना कूलम्स लॉ के लिए रिक्वायर्ड है, इसकी लिमिटेशन भी कहलाती है कि तभी लगेगा जब चार्ज रेस्ट पर हो। लेकिन चार्ज अगर रेस्ट पर नहीं है तो क्या दिक्कत आ जाएगी वो आपको सोचना है। ठीक है, उसके लिए मैं ये आपको टास्क दूंगा कि आज आपको सोचना है और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, आई विल लेट यू नो इन टुमारोस क्लास, राइट। चलिए अब देखते हैं आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास का मतलब था, इसका नाम ये था। अब इस K के लिए हमारे पास इक्वेशन होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस K की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू निकल के आती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी आपको चेक करना है, मान लीजिए बाय चांस मैं भूल गया कि इसकी यूनिट क्या होगी, आप भी भूल गए बाय चांस, एग्जाम में ऐसा हो गया कि क्या लिखना है इसकी यूनिट, ठीक है, नहीं भूल गया चांस, तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। हमें कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये फॉर्मूला लिखा, मैं चाहता हूं के की यूनिट निकालना, तो मुझे ये पता होना चाहिए इसकी यूनिट न्यूटन, क्यू वन की यूनिट कूलम, दूसरे क्यू टू की यूनिट कूलम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास के कितना निकल के आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अगर ये विजिबल नहीं है यहां पर तो बेटा मैं लिखना चाहूंगा कि अब के निकल के आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ, दैट मींस इफ सपोज इन एनी केस यू फॉरगेट द यूनिट ऑफ दिस देन यू कैन आइडेंटिफाई दिस। ओके बच्चे, राइट, यू कैन कैलकुलेट। अब बात करते हैं कि यहां पर के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास आया था, इसमें एक चीज है ये एप्सिलॉन नॉट, ये क्या चीज है देखते हैं। इसको समझने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैटर बहुत आसपास हैं एक दूसरे के, चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट हो गई इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, एक दूसरी मैग्नेट है जिसका इन नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैं दोनों मैग्नेट को ऐसे रखता हूं और मैंने बताया कि ब्लैक वाला जो पोर्शन है नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सब लोग श्योर है। और अगर मैं इसको ऐसे ले आता हूं तो नॉर्थ पोल के सामने आ गया साउथ, दे कैन अट्रैक्ट और दे विल। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसको अगर मैं फर्स्ट चार्ज मान लू और इसको सेकंड चार्ज मान लू तो इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब इसी बात को मैं मैग्नेट के अंदाज से थोड़ा सा और आगे बताता हूं। यही दोनों मैग्नेट जब आपके पास थी, इन दोनों मैग्नेट को जब आपने ऐसे देखा तो आपको पता लगा कि यहां से तो रिपल्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे जब लाते हैं तो रिपल्शन होना चालू हो जाता है। अब आप सोच के देखिए, इसी मैग्नेट को, ये इतना पोर्शन बचा है इसके बीच में, इनके बीच में थोड़ा सा क्या बचा है, अगर मैं इस मैग्नेट को, घर में जो डोर होता है लकड़ी का दरवाजा, अगर मैं उसको ऐसे रखता हूं डोर के अंदर और डोर के दूसरी तरफ इसको ऐसे रखता हूं, तो क्या इनके बीच में रिपल्शन उतना ही रहेगा, क्या इनके बीच में रिपल्शन उतना ही रहेगा, तो आप कहेंगे नहीं इतना नहीं रहेगा, यू आर करेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच में रिपल्शन कितना होगा ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इनके बीच में मीडियम क्या रखा हुआ है। एयर में जब थे तो रिपल्शन स्ट्रांग था, लेकिन जब इनके बीच में एक मीडियम आ गया, वुड आ गया, तो अलाउ नहीं किया कि इनके बीच में इतना फोर्स लग सके। इसका मतलब
कूलम्स लॉ में भी एक ऐसा फैक्टर है जो चार्जेस और डिस्टेंस के बाद भी डिसाइड करेगा कि फोर्स कितना लगना है. दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, राइट. अब ये परमिटिविटी जो थी हमारे पास, यही हमारे पास सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम. लेकिन मीडियम लिखा मैंने यहां पे, हम नॉर्मली कूलम्स लॉ की जब बात करते हैं तो फ्री स्पेस की बात करते हैं. अगर फ्री स्पेस है तो इसका मतलब अगर मैंने ये नॉट साइन लगाया, जीरो साइन लगाया है, तो ये बता रहा है फ्री स्पेस की बात. तो इसका मतलब एक चीज इसमें कि मैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम नहीं कह सकता उसको, स्पेस को मीडियम नहीं मानते, ठीक है. तो इसका मतलब है कि मुझे यहां पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम ना लिखकर लिखना चाहिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस ये इस बात को शो कर देगी कि इसके बीच में फोर्स कितना आ गया. एंड द वैल्यू फॉर दिस इज 8.85 × 10^-12, और यूनिट जस्ट अबाउट होगी k के, बिकॉज़ दे आर रेसिप्रोकल. तो जो यूनिट k की थी उसके रेसिप्रोकल ही होगा, तो k की यूनिट ये लिखी हुई है. तो मैं इसकी जब यूनिट लिखूंगा तो लिखूंगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो हमने बात करी थोड़ी देर पहले. और उसमें k जो था, k की वैल्यू क्या होती है, k का मीनिंग क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई आज, ठीक है. कल की क्लास में हम करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशंस करेंगे कूलम्स लॉ की, और उसके साथ साथ डिसाइड करेंगे कि हमें और आगे आगे चीजें कैसे करनी है. आप ये इंश्योर करें कि नेक्स्ट क्लास में आप एनसीईआरटी जरूर लेके बैठेंगे, क्योंकि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा इस रिलेटेड, और वो तभी आप कर पाएंगे जब एनसीईआरटी आपके साथ होगी, तब उसको जल्दी कर पाएंगे, ठीक है. तो ध्यान रखें, मैं आपको अपना नंबर लिख देता हूं यहां पे, कोई भी डाउट किसी का होता है किसी भी तरीके का जो हमने अब तक पढ़ा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है. और मैं कोशिश ये करूंगा, मेरी 100% ये कोशिश रहेगी कि मैं हर एक का आंसर दे सकूं आपको, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसका मैं आंसर ना दे सकूं, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है. बाकी देखा जाएगा, ठीक है. तो आप लिख लें, अनिल कुमार शर्मा 9716958228, इसी नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मैं ऑब्वियसली वेट करूंगा आपकी क्वेरीज का जो भी आप मुझे भेजें, ठीक है. जिससे मैं इंश्योर कर सकूं इस बात को कि आप उतना ही सीरियस हैं जितना मैं आपको सोच रहा हूं, ठीक है. थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नंबर कस करेंगे इसके. ऑल द बेस्ट.